खबर दें, बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। अहम खबर है, आपसे शेयर की जा रही है कि मानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मानी पीटीआई के मिलिट्री तहवील में न देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल असमत बशीर तारड़ से हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। अहम खबर है, आपसे शेयर की जा रही है कि बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के मिलिट्री तहवील में न देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल असमत बशीर तारड़ से हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। अहम खबर है, आपसे शेयर की जा रही है कि बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने पर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 4 एतराजात भी आयद कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के मिलिट्री तहवील में न देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल असमत बशीर तारड़ से हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी है।